सो हे गाइस, जैसे कि आज के हमारे इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग इस सिंपल से फोटो को देखिए, यहाँ पर जो हमने कुछ एडिट नहीं किया है और हमने कुछ इसे एडिट करने के बाद कुछ ऐसा बना दिया। जी तो आज के हमारे इस वाली वीडियो में हम कुछ इसी टाइप का ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग करने वाले। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप हमने इसका फेस स्मूथ किया है एंड इसकी हमने आइज लगाई है, और इसी के साथ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑयल पेंट भी किया है। एंड गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड भी चेंज किया है, यानी कि बैकग्राउंड का कलर, और यहाँ पर बोके पीएनजी भी ऐड की है। सो गाइस, आप यहाँ पर अपने लिप्स पर देखिए, यहाँ पर हमने लिप्स का कलर भी चेंज किया है। सो गाइस, आज की हमारे ए वाली वीडियो में हम कुछ ऐसा टाइप का फोटो एडिट करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, तो आप भी सीखना चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह का फोटो एडिटिंग, सो गाइस आप इस वीडियो को 2 से 3 मिनट पूरा वॉच कर लीजिएगा। जी हाँ गाइस, एंड अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। सो गाइस, इस टाइप का एडिटिंग करने के लिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि हमारा ओरिजिनल पिक्चर ये है, तो मैं इसको यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर लूँगा सबसे पहले लाइटरूम ऐप में, तो यहाँ से जैसे कि मैं कर लेता हूँ। सो ओके गाइस, तो हमारा फोटो जैसे कि यहाँ पर ओपन हो चुका है लाइटरूम ऐप में, एंड सिंपली इसके हम लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैं आप आता हूँ यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर, एंड सिंपली जो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी हाईलाइट्स है ना, तो यहाँ से मैं इसकी हाईलाइट्स थोड़ी कम कर लूँगा एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। तो सिंपली ये हो जाने के बाद हम आएंगे यहाँ पर शेडोज़ पर, एंड इसकी शेडोज़ को हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। एंड सिंपली जो इसका वाइट्स है ना, तो इसका वाइट्स को हम थोड़ा माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारा फेस पर ज़्यादा वाइटनेस है इसलिए। तो ये हो जाने के बाद हम इसका ब्लैक्स को इंक्रीज़ करेंगे सिंपली, एंड इसके बाद क्या करेंगे हम सिंपली गाइस यहाँ से डन कर देंगे, एंड आएंगे यहाँ पर कलर वाले टूल पर, एंड सिंपली यहाँ से आऊँगा मिक्स टूल, एंड जो येलो कलर है ना तो इसकी सेचुरेशन बिल्कुल माइनस, एंड जो ग्रीन है ना तो इसकी सेचुरेशन भी बिल्कुल माइनस। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है, जैसे कि डार्क टोन हो चुका है। ऐसे भी हम आएंगे यहाँ पर जैसे कि फेस कलर टोन, एंड इसकी सेचुरेशन भी यहाँ पर माइनस, एंड जो इसका गाइस लेमिनेस को मैं यहाँ पर 98 कर दूंगा सिंपली, चाहे तो 100 भी कर दूंगा, मैं इसे 100 कर देते हैं जैसे कि हम, तो सिंपली जैसे 100 कर दिया हूँ यहाँ पर मैंने, एंड यहाँ से क्या करता हूँ कि डन कर देता हूँ। तो सिंपली जैसे कि हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ चुका है अपने फोटो में, एंड अब हम इसका फेस स्मूथ करने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अब हम इसका क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देंगे अपने जो है ऑटोडेस्क ऐप में सिंपली। तो जैसे कि मैं यहाँ से कर लूँगा, सो ओके गाइस, तो हमारा फोटो जैसे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है ऑटोडेस्क ऐप में सिंपली, एंड अब यहाँ पर जिसका हम यहाँ पर फेस को स्मूथ करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर टैप करेंगे, एंड सिंपली जो गाइस हम ये वाला एयर ब्रश, तो गाइस ये वाला एयर ब्रश को हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि सॉफ्ट एयर ब्रश, एंड सिंपली इसकी सेटिंग पर आ जाना, एंड यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो गाइस ऊपर जो यहाँ पर आपको बेसिक टाइप ब्रश यानी कि ये वाला ब्रश टाइप, तो इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको पहली बार सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर ये सिंथेटिक पेंट वाला होगा, तो आपको इसको हटा कर यहाँ पर स्मज को सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिंपली इसको मैं यहाँ पर फ्लो रखूँगा 13 यानी 13% और स्ट्रेंथ रखूँगा 18%। सिंपली ये सेटिंग्स हो जाने के बाद एडवांस पर टैप करेंगे हम, एंड यहाँ से NIB, एंड यहाँ से इसकी हार्डनेस को मैं रखूँगा 18%। तो गाइस ये सब हो जाने के बाद सेटिंग्स हम क्या करते हैं, उस तरह से जूम करके सिंपली, और साइज अपने हिसाब से हम घटा बढ़ा लेंगे, और कुछ इस टाइप से हम फेस को स्मूथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फेस को स्मूथ कर लेता हूँ सिंपली, तो गाइस हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दूंगा। एंड सो ओके गाइस, तो हमारा फेस जो यहाँ पर स्मूथ हो चुका है काफ़ी बढ़िया, एंड अब हम इसके इस लिप्स पर कलर ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं लेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर यहाँ से एक प्लस पर टैप करके एक लेयर क्रिएट कर लूँगा, एंड सिंपली जैसे कि पेंसिल वाले आइकन पर टैप कर, सो गाइस जैसे कि हमारा सॉफ्ट इरेज ब्रश था ना, तो इसको हम यहाँ से मीडियम ब्रश पर सिलेक्ट कर लेंगे, एंड सिंपली जो हम क्या करेंगे कलर पर टैप कर, जैसे कि मैं पिंक टोन रख रहा हूँ यहीं पर, एंड इसके बाद जो अपने कुछ लिप्स पर जो है कुछ इस टाइप से कलर ऐड कर लूँगा। तो फाइनली जैसे कि हमारे फोटो पर जो है यानी कि लिप्स पर कलर ऐड हो चुका है सिंपली, एंड इसका जो हम क्या करते हैं लेयर पर टैप कर, यहाँ से लेयर पर टैप कर, एंड इसका जो गाइस
हम यहाँ पर ओपेसिटी हम कम कर लेंगे, जैसे कि मैं इतना रख रहा हूँ सिंपली 28%। जैसे कि आप लोग देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस हमने गूगल पे भी कलर कर रखा था जिसमे पर, तो इसके लिए भी हम एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। एंड गाइस हम यहाँ से जो इसका ब्रश है जो इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा सिंपली, तो जैसे कि ये रख रहा हूँ सिंपली कलर में एक्वा, एंड सिंपली कुछ इस टाइप से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपने गूगल्स पर कलर ऐड करना। तो यहाँ से क्या मैं कर लेता हूँ, जैसे गाइज हमारे जो फाइनली जो कलर ऐड हो चुका है गूगल्स पर, एंड सिंपली जैसे कि हमारा कितना प्यारा लग रहा है गाइज, हमारा फेस स्मूथ है एंड लिप्स पर कलर एंड गूगल्स पर भी कलर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोके पीएनजी ऐड कर लेते हैं सिंपली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से जो गाइज हम इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे सिंपली, एंड यहाँ से गाइज हम इम्पोर्ट इमेज पर टैप कर लेंगे। सो गाइज जो भी बैकग्राउंड पेज यूज़ करूँगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा बोके पीएनजी यहाँ पर आ चुका है, एंड सिंपली मैं कुछ इस टाइप से इसको बड़ा करके एडजस्ट कर लूँगा सिंपली, एंड यहाँ से डन कर दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ से आऊँगा लेयर वाले ऑप्शन पर, एंड यहाँ से लेयर पर टैप कर, एंड इसको जो है ब्लेंडिंग मोड को यहाँ से मैं स्क्रीन कर दूंगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा किस टाइप बोके पीएनजी ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे फेस पर आ चुका है बोके पीएनजी, तो यहाँ से हम इसको इरेज करने के लिए यहाँ से जाएंगे ब्रश वाले आइकन पर, यहाँ से हम स्क्रॉल करते आएंगे गाइस, एंड यहाँ से गाइज हार्ड ब्रश को हम सिलेक्ट कर लेंगे हार्ड इरेजर, एंड सिंपली जब हम अपने फेस से इसको रिमूव कर लेंगे। सो गाइज जैसे कि हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है जो एक्स्ट्रा बोके पीएनजी थी अपने फेस पर, एंड सिंपली अब क्या करते हैं। सो गाइज जैसे कि हमारा फाइनल जो है यहाँ पर ऑटोडेस्क में काम हो चुका है, एंड इसको हम सिंपली यहाँ से सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। जैसे कि हमारा फोटो जो गैलरी में सेव हो चुका है, एंड अब हम यहाँ से क्या करते हैं इस फोटो को यहाँ से जो शेयर कर लेते हैं टूल विज़ ऐप में। जी हाँ गाइज वहाँ पर जिसका हम हेयर को ऑयल पेंट करने वाले हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैं कर लूँगा टूल विज़ ऐप में, तो फाइनली ऐड हो चुका है हमारा फोटो टूल विज़ ऐप में। एंड यहाँ से इफेक्ट्स पर टैप कर, यहाँ से शॉर्ट स्मज, एंड इसके बाद जो गाइज मैं यहाँ पर जो पांचवें नंबर का नहीं चौथे नंबर वाला है ना इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एंड सिंपली मास्क, एंड यहाँ से इसको क्लीन कर लूँगा, एंड फिर कुछ इस टाइप से जो अपने हेयर पर रब कर लूँगा। जी हाँ गाइज तो आपको जहाँ पर भी ऑयल पेंट करना है वहाँ पर आप कुछ इसी टाइप से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ जैसे कि अपनी बियर्ड वगैरह पर हेयर पर। तो सिंपली जैसे कि हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पर ऑयल पेंट काफ़ी बढ़िया, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से डन कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ से इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे या फिर शेयर कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट ऐप में। जी हाँ गाइस तो हमारा लास्ट काम वहीं पर रहा है। सो गाइस पिक्सआर्ट में हम करने क्या वाले हैं, इस फोटो को थोड़ा हम एचडी करने वाले हैं। जी हाँ गाइस तो सबसे पहले तो मैं इसका रीसाइज पर टैप कर इसका जो रीसाइज जो रियल साइज है ना वो यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, जिससे हमारा फोटो जो है यहाँ पर फटेगा नहीं। तो जैसे कि ये रहा गाइस इसका नीचे 28:29, तो ये इसका रियल साइज है, तो ये मैं इसको ले लेता हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसकी आइज़ को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं ऐड फोटो पर टैप कर इसकी आइज़ ऐड कर लेता हूँ सिंपली। एंड गाइस कुछ इस टाइप से मैं इसको आईज को एडजस्ट कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो इरेजर पर टैप कर गाइस को यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर लूंगा ऊपर से, एंड इसी आईज को यहाँ से डुप्लीकेट भी कर लूंगा, एंड अपने उस वाले आईज पर भी कुछ इस टाइप से ऐड कर लूंगा गाइस। सो फाइनली जैसे कि हमारे आईज जो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, तो गाइस इसका जो हम ओपेसिटी हम यहाँ पर 41 रख रहा हूँ यहाँ पर सिंपली, क्योंकि गाइस ओपेसिटी हम कम करेंगे तभी रियलिस्टिक लुक आएगा यहाँ पर। तो गाइस दोनों को हमने एक ही रख दिया है सिंपली, यहाँ से मैं अब डन कर दूंगा। एंड इसके बाद हम इसको HDR यानी HD करने वाले हैं अब, तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर इफेक्ट्स पर।
एंड यहाँ से मैं HDR पर टैप कर दूंगा। जी हाँ गाइज, सो गाइज आप लोग देख सकते हैं अपना फोटो में कितना ज़्यादा HDR लुक आ गया है। एंड सिंपली मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से जो है डन कर दूंगा सिंपली। एंड इसके बाद हम यहाँ से आएंगे टूल्स पर एंड यहाँ से एडजस्ट एंड सिंपली से हम क्लैरिटी और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ से भी डन कर देंगे। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा फेस पर जो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है लाइटिंग वगैरह अलग सी, तो इसके लिए हम टूल्स पर टैप कर यहाँ से एडजस्ट एंड सिंपली जो हम यहाँ से इसका जो लाइट को बढ़ा लेंगे सिंपली। एंड इसके बाद इसका सेचुरेशन हम माइनस कर लेंगे, जैसे कि मैं इतना कर लूँगा। एंड आएंगे हम यहाँ से ब्रश पर एंड सिंपली जो हम इसको इन्वर्ट पर टैप कर यहाँ से अपने फेस पर जो है कुछ इस टाइप से अप्लाई कर लूँगा। सो गाइस हमारा फेस जो है यहाँ पर गोरा हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डन कर लेते हैं एंड इसका जो थोड़ा सा हम यहाँ पर सेचुरेशन को जो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं सिंपली। एंड इसके बाद इसका जो लाइट है ना थोड़ा हम यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से डन कर लेते हैं। सो गाइस आप लोग यहाँ पर आफ्टर एंड बिफोर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अपने फोटो में अंतर आ चुका है। एंड गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीख गए होंगे कुछ इसी टाइप का बिल्कुल सेम फोटो एडिट करना। अगर सीख गए तो यार इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।